नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। देश के कई इलाकों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जो 17 मार्च को महाराष्ट्र में समाप्त होगी। ये यात्रा पहले ही महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी यहाँ रोड शो और जनसंवाद कर रहे हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी में जनसंवाद किया था। हालांकि इस यात्रा का चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव न पड़कर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उन राज्यों में करारी शिकस्त मिली और बड़े अंतर से कांग्रेस चुनाव हार गई। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैसा प्रभाव डालती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र में जिस जगह पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन होगा वो जगह है मुंबई का शिवाजी पार्क। बताया जा रहा है कि यहाँ एक भव्य जनसभा का आयोजन किया जाएगा और फिर राहुल गांधी इस न्याय यात्रा का समापन करेंगे, लेकिन उससे पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राहुल गांधी को चेतावनी दे दी है। चेतावनी ये कि अगर शिवाजी पार्क में राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में कोई अपमानजनक बयान दिया तो राहुल गांधी को महाराष्ट्र में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने चेतावनी देते हुए राहुल गांधी को कहा, छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में अब तक कई बाघों की चीखें सुनाई गई है। स्वतंत्र वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे जैसे दिग्गजों ने शिवाजी पार्क मैदान में सभाएं की है। वहीं इस बैठक में बाघ की खाल से ढके भेड़िए भी मौजूद रहेंगे। देशपांडे ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान सावरकर के स्मारक के सामने है। सावरकर का घर शिवाजी पार्क के पास स्थित है। आप महाराष्ट्र आ रहे हैं, अपनी बात रखें, लेकिन अगर यहां आते हैं और पिछली बार की तरह सावरकर के बारे में कोई अपमानजनक बयान देते हैं तो महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोग राहुल गांधी को महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। उन भेड़ियों को भी याद रखना चाहिए जो इन लोमड़ियों में शामिल हो गए हैं। देशपांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो महाराष्ट्र में उनका भला नहीं होगा। देशपांडे ने कहा कि इस बैठक से प्रोपेगेंडा का नारियल तोड़ो और जो तोड़ना है तोड़ो, हमें इससे कोई विरोध नहीं है। हमारी चेतावनी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर है। पिछली बार भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर महाराष्ट्र आए थे, उस वक्त उन्होंने सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, तो अब ये उनकी पहली चेतावनी है, अन्यथा महाराष्ट्र के लोग उनका महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल कर देंगे। देशपांडे ने चेतावनी दी है कि सावरकर का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी राहुल गांधी को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक बयान दिया तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। कुल मिलाकर के राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के अब एक तो पहले ही चुनाव आयोग राहुल गांधी के बोलने को लेकर के कह चुका है कि चुनावी मैदान में या फिर चुनावी जनसभाएं करते हुए जो बोलना है थोड़ा सोच समझ करके बोलिए, और अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी राहुल गांधी को चेतावनी दे दी है कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ बोला तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और महाराष्ट्र में आपका घूमना बेहाल कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप राहुल गांधी को मिली इस चेतावनी पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।